हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं फिर से हूँ अपने टेरेस गार्डन में। बहुत सारे टमाटर जो लाल हो गए हैं, ऑलमोस्ट लाल हो गए हैं, कुछ ज़्यादा लाल हो गए हैं, कुछ थोड़े कम लाल हो गए हैं, उन सबको लेने के लिए। तो चलो ले लेते हैं टमाटर और देखते हैं कितने टमाटर आज हम तोड़ पाते हैं। ये देखो गाइस, कितने अच्छे लग रहे हैं टमाटर। मतलब हो तो बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारे टमाटर। ये देखो, भरे हुए हैं टमाटर, गुच्छे के गुच्छे हो रहे हैं टमाटर। ये देखो कितने ज़्यादा टमाटर। तो चलो तोड़ लेते हैं वो वाले टमाटर जो लाल हो गए हैं। लाल भी हो गए हैं कुछ, तो लाल अच्छे से हो गए हैं। अब जैसे ये वाला टमाटर है ना, ज़्यादा लाल नहीं हुआ, बट ये देख लेना एक दिन में ये पड़ा पड़ा ही लाल हो जाएगा। तो अगर इनको यहाँ छोड़ देंगे तो फिर कई बार ना ये टूटकर अपने आप ही गिर जाते हैं, तो बेटर है कि इनको ले लेते हैं। ये देखो साइज देखो कितना बड़ा टमाटरों का। ये देखो गाइस, चलो यहाँ हो गया। अब इस पौधे से ले लेते हैं। ये इसके लीव्स कर्ल हो रहे हैं बट फिर भी टमाटर अच्छे से दे रहा है ये। अब चलते हैं इधर। यहाँ पर ये हो रहे हैं लाल टमाटर। टमाटर लाल, आई थिंक बस हो गया इधर। तो चलो बढ़ते हैं इस वाले पौधे की तरफ। सबसे बड़ी बात क्या है इन टमाटरों की, मार्केट से खरीद सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि ऑर्गेनिक है। मार्केट से जो हम खरीदेंगे उसमें पता नहीं किस तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ किया होगा, और मुझे पता है कि यहाँ मैंने इस मिट्टी में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, और ये सारे टमाटर जो मुझे मिल गए हैं, मिलने वाले हैं, सब ऑर्गेनिक है। तो ये देखो यहाँ पर भी हो रहे हैं ये सारे टमाटर। तोड़ते हुए ना मज़ा भी बहुत आता है इनको। आई होप फ्रेंड्स आप भी उगा रहे हो अपने घर में टमाटर। उगा रहे हो नहीं उगा रहे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर ज़रूर बताना। मुझे सुनकर बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा कि आप अपने घर पर कोई ना कोई सब्जी बना रहे हो, मतलब उगा रहे हो या नहीं। थोड़ी सी कोई भी चीज़ अगर थोड़ी बहुत भी हम उगाते हैं ना, और कुछ नहीं तो सर्दियों में तो मूली बहुत अच्छे से हो जाती है, बस बीज डालें मूली हो जाती है। आपके साथ मैं सब शेयर भी करती हूँ ना, कैसे मूली के बीज लगाने हैं, कैसे उनको पानी देना है, कितना पानी देना है, वो भी सब मैं बताती रहती हूँ। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो आप अपने घर पर पत्तेदार सब्जियाँ लगा लो, पालक लगा लो, पुदीना लगा लो, मेथी लगा लो। सर्दियों में तो वैसे ही बाहर होती है। देखो ये टमाटर सारे कितने बड़े बड़े टमाटर हो रहे हैं, साइज़ देखो कितना बड़ा है टमाटरों का। बट ये कि अभी थोड़े हरे हैं तो अभी हम थोड़े दिनों में इनको तोड़ेंगे। ये टमाटर ले लिए। ओ ये देखो ये भी हैं इस पौधे में छुपे हुए, ये लाल लाल टमाटर। ये चेरी टमाटर लग रहा है ये तो। हो गया, ये भी ले लिया। एक इधर भी है, ये रहा टमाटर। इतने सारे टमाटर, ये देखो ये तो सारे इस तरफ से हो गए। अराउंड 1 kg के करीब तो पक्का होंगे ये, है ना। 1 kg टमाटर, ऑर्गेनिक टमाटर। 1 kg नहीं होंगे तो आधे किलो से तो ज़्यादा है ही है ये। तो अब उस तरफ देख लेते हैं कि वहाँ पर कुछ रेड हुए हैं या नहीं। इधर भी देखो ये राउंड वाले ड्रम में कितने अच्छे हो रहे हैं ये टमाटर, कितने ज़्यादा हो रहे हैं। देखो पालक के ऊपर ही फैल गया ये। अब इतना बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं तो इधर उधर जाएंगे ही ना ये, अब क्या करें। ठीक है, जहाँ जा रहे हैं इनको जाने देते हैं। माई गॉड, ये देखो यहाँ पर, ये देखो टमाटर की शेप अलग सी हो गई है, बहुत बड़ा हो गया। ये वाले पौधे में इस तरफ हो रहे हैं, ये देखो एक यहाँ पर मिला और एक है ये यहाँ पर। ये थोड़ा कम लाल है, ये 2-3 दिन में हो जाएगा लाल। तो ये ले लिए टमाटर, अब तो मुझे लगता है पक्का 1 kg हो गए होंगे। ये रहा थोड़ा छुपा हुआ, ये देखो इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं ना फ्रेंड्स, ढूंढने पड़ते हैं, कहीं तो ऐसे रेड के रेड पड़े रह जाते हैं। ये देखो
तो फ्रेंड्स ये देखो इतने सारे टमाटर ले लिए, कितने दिन में, एक दिन में इतने सारे टमाटर, चार सब्जियां तो बन जाएंगी आराम से इनसे, और सूप में भी डाल दूंगी मैं इसको। देखो कितना अच्छा और फ्लेवर कितना अच्छा आता है, घर के टमाटर जो होते हैं ना थोड़े से डालो, खट्टा बहुत है ये टमाटर। जैसे अगर मार्केट के टमाटर तीन डालने हैं ना, तो ये अगर डेढ़ भी डालेंगे या एक भी डालेंगे ना तब भी काम चल जाता है, और इसको एज अ सैलड भी खाएंगे और अच्छी फीलिंग आती है कि हम ऑर्गेनिक टमाटर खा रहे हैं कच्चे वाले। सूप भी बनाएंगे तो मतलब यूज़ करेंगे किसी भी तरह से, और एक मन को खुशी भी होगी कि ये सब ऑर्गेनिक टमाटर हमने घर की छत पर खुद अपनी मेहनत से उगाए। चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोस और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे हम सब मिलकर एक अच्छी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए। बाय फ्रेंड्स।